हेलो, सब कुछ जय मसीह की। जय मसीह की। जय आप मसीह। सब आपको लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भी परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए अभी तक बना है और युगानुयुग बना रहेगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, विशेषकर कि अगर हम परमेश्वर के उपकारों को गिनाए तो शायद समय कम पड़ जाएंगे, दिन कम पड़ जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का जो हमारे जीवन चमत्कार वो ये है कि प्रभु ने हर एक विकट परिस्थितियों में भी प्रभु ने हमें संभाल कर रखा, और उससे भी बढ़कर कि परमेश्वर मेरे परिवार को और मुझे परमेश्वर के वचन से मोटिवेट करता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन ईश्वर का जो वचन है, जब हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तब परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो तब बीमारी हो, चाहे फिनेंशियली कोई प्रॉब्लम हो, या मेंटली कोई डिस्टर्ब ऐसा कुछ होता है, तो परमेश्वर हमें उत्साहित करता है और अभी तक प्रभु ने हमें स्थिर रखा है। तो ये सारा जो वजह है वो आप लोगों की दुआ है और प्रभु का अनुग्रह है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उन सारे परोपकार और उपकारों के लिए जो प्रभु ने 2022 तक हमारे संग और साथ बने रहे। इसी के साथ मैं आप सबको जय मसीह की और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह की। को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को कि उन्होंने हमें पूरे साल 2022 में संभाल के रखा। मैं धन्यवादी हूँ खुदावन का, और धन्यवाद देती हूँ जब हम उन्होंने हमें दुख में संभाल के रखा, और जब हमें जॉब की जरूरत थी, जब हम चिंतित थे कि हमारे लिए परमेश्वर रास्ता खोले। हमें नहीं था पता कि हम देहरादून जा रहे हैं, हम कहाँ से अपने लिए रहेंगे, कैसे करेंगे, लेकिन गॉड ने हमारे लिए रास्ता खोला और हमें जॉब भी मिली जहाँ पे सही है हमारे लिए। मैं धन्यवाद देती हूँ ता परमेश्वर का, और आप सबका भी, कि आप सबकी दुआ हमेशा हमारे साथ है, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। धन्यवाद आप सभी का। जय मसीह की। पहले मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने आज के दिन हमें संभाल के रखा और ये नया दिन हमें हमारी जिंदगी में लाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी को नए साल की बधाइयाँ दूंगी। परमेश्वर आप सभी को नए साल में खुशियाँ, ढेर सारी खुशियाँ और तरक्की से आपका जीवन मंगलमय करे। प्रभु हमें ये शक्ति देता है कि प्रभु जब हम कहीं कभी भी डगमगाते हैं, न जाने हमारे जिंदगी में कितनी परिस्थितियां आती है और हम डगमगा जाते हैं, कोई हमारे
सामने बहुत से ऑप्शन होते हैं कि कोई बोलता है ऐसा है वैसा है, तो फिर हम डगमगा जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें दृढ़ रखता है, हमें अपनी ओर खींचता है कि तू जो शैतान की शक्ति है उससे दूर हट और मेरे पे विश्वास कर। और विश्वास, परमेश्वर कहता है कि जब भी तू मेरी ओर आए तो मैं तुझे हाथों हाथ उठा लूंगा। और परमेश्वर, यही मेरी आपसे दुआ है कि जब जब कभी भी मैं डगमगाऊं या किसी, मतलब कोई भी परिस्थिति हो, बहुत से चांस होते हैं जहां पर अपने आप से गवाही देनी होती है कि हाँ, हमें परमेश्वर का रास्ता अपनाना है। मेरी जिंदगी में भी बहुत सी प्रॉब्लम आई है जिस कारण से मैं कभी सोचती हूँ कि हाँ, शायद मेरा रास्ता गलत है, लेकिन परमेश्वर मुझे अपने वचनों से हमेशा तृप्त करता है कि परमेश्वर कहते हैं कि तू मेरी ओर बढ़ेगा तो मैं तेरे हाथ थाम लूंगा, तू तू अगर मेरे द्वार पे खटखटाएगा तो मैं तुझे दूंगा। और परमेश्वर कहता है कि तू अगर रत्ती भर भी विश्वास, या तू राई के दाने के बराबर भी मेरे पे विश्वास करे, तो मैं तेरी पूर्ण रीति से तेरी रक्षा करूंगा और तुझे सहानुभूति से हाथों हाथ उठा लूंगा। प्रभु, आपने मुझे अपने वचनों से प्रतिदिन निहारा है, और प्रभु मैं तेरी सेवा में रहूं, आप मेरी मेरी हर एक तमन्ना को पूरा करना। प्रभु, मैं मेरा विश्वास ये नहीं कि मुझे बहुत कुछ चाहिए, लेकिन प्रभु मेरी खुशहाल जिंदगी, मेरे परिवार को अपने हाथ में संभाले रखना। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सभी का धन्यवाद, आमीन। अमीन। हेलो, हेलो, मेरी मेरी आ रही है। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई हो। आपको भी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। बीते हुए वर्ष में प्रभु ने हर एक परिस्थिति में प्रभु ने संभाला है, और मैं आप सभी का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप सबकी दुआएं निरंतर हमारे साथ रही और आगे भी बनी रहे। हमारे जीवन में काफी, मैं उन्हें बयान करूंगा, शायद काफी प्रभु बीच में मेरी काफी खराब है, चिंतित है हमारे आर्थिक स्थिति में सही नहीं थी, तो हमारे स्थिति में हमारा साथ दिया और आज मनीषा जी भी ठीक है और मैं भी ठीक, प्रभु का धन्यवाद हो। आप सपोर्ट जय, धन्यवाद।
आमीन।
जय मसीह की, मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। ठीक है, दास के द्वारा सुनी है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस नए साल में प्रभु आपके इन सारे वचनों को हम अपने जीवनों में लागू कर सके और तेरे डर भय में आगे बढ़ सके परमेश्वर पिता, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है प्रभु। आपसे निवेदन भी है कि आप अपने पवित्र स्वर्गदूतों को और अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हमें गाइड करें परमेश्वर, ताकि हम आपके इन वचनों को अपने जीवन में उतार सकें और इसके अनुरूप चल सकें पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु हम